हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। आज 31 जनवरी 2019, जनवरी महीने का लास्ट डे का करंट अफेयर्स हम लेकर हाजिर हैं हमारे चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस पर। साथियों, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। इन कमेंसमेंटेशन ऑफ द 115th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड ग्रांड एंड आइकोनिक नेशनल साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल कंस्ट्रक्टेड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD एट डांडी गुजरात टू द नेशन। महात्मा गांधी की 150वीं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दांडी में केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भव्य और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 4-लेन गंगा एक्सप्रेस वे कनेक्टिंग प्रयागराज टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, विच वुड कॉस्ट अबाउट 36,000 करोड़ रुपीज। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने प्रयागराज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले 4-लेन के गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दी है, जिस पर लगभग 36,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं इकोनॉमिक्स न्यूज, अर्थव्यवस्था समाचारों की। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्टेट दैट इट विल इंजेक्ट 37,500 करोड़ रुपीज इनटू द सिस्टम थ्रू द परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन फेब्रुअरी टू इंक्रीज लिक्विडिटी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह तरलता बढ़ाने के लिए फरवरी में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के माध्यम से प्रणाली में 37,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड ए डाटा ऑन सेंसस ऑन फॉरेन लिबिलिटीज एंड असेस्ट ऑफ इंडियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज 2070-80, विच शोज दैट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI हैज इंक्रीज 18% टू 28.25 लाख रुपीज करोड़ रुपीज इन FY18। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों की 2017-18 की विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों की जनगणना पर एक डेटा जारी किया है, जो दर्शाता है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI वित्त वर्ष 18 में 18% बढ़कर 28.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं स्कीम एंड कमेटी, योजना एवं समितियों की। KJ अल्फोंस यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म हैज इनोग्रेटेड द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एट द जीरो पॉइंट गंगटोक सिक्किम। दिस प्रोजेक्ट वॉज सैंक्शनड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन June 2015 फॉर 98.05 करोड़ रुपीज। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री KJ अल्फोंस ने जीरो पॉइंट गंगटोक में पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट सर्किट की विकास परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना को पर्यटन मंत्रालय ने जून 2015 में 98.05 करोड़ रुपए की लागत वाली मंजूरी दी थी। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज नोटिफाइड 3 new committee ऑन फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी, द पेंशन एंड EDLI इंप्लीमेंटेशन कमेटी PEIC एंड द एक्स स्टेब्लिशमेंट कमेटी EEC।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त निवेश और लेखा परीक्षा समिति FIAC पेंशन और EDLI कार्यान्वयन समिति PEIC और एक्सेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट कमेटी पर 3 नई समितियों को अधिसूचित किया है। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR हैज लॉन्च्ड द नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट NAHEP टू अट्रैक्ट टैलेंट एंड स्ट्रेंथन हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन इन द कंट्री। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने देश में प्रतिभा को आकर्षित करने और उच्च कृषि शिक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP शुरू की है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां। केरला बेस्ड प्राइवेट सेक्टर लैंडर फेडरल बैंक हैज अपॉइंटेड दिलीप सदरंगी रंगनी एज द पार्ट टाइम चेयरमैन। द अपॉइंटमेंट ऑफ सदरंगी हु हैज बीन ऑन द बैंक्स बोर्ड सिंस 2030 हैज बीन क्लियर्ड बाय द रिजर्व बैंक। केरल स्थित निजी क्षेत्र के ऋणदाता फेडरल बैंक ने दिलीप सदरंगी को अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। 2013 से बैंक के बोर्ड में शामिल सदरंगी की नियुक्ति को रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट्स। रैंक एंड रिपोर्ट की बात करते हैं, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXP रिटेंड इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स ब्यूएस्ट एयरपोर्ट फॉर इंटरनेशनल कस्टमर नंबर फॉर द 5th कंजुकेटिव ईयर विद एनुअल ट्रैफिक फॉर 2018। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXP ने लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक संख्या के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन रैंक्ड इन ब्लूमबर्ग 2019 लिस्ट ऑफ मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड 2019 ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंडिया हैज ग्रैब्ड द 54th स्पॉट विद ए स्कोर ऑफ 47.93 आउट ऑफ 100 इन द इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 60 इकोनॉमिक्स। ब्लूमबर्ग की 2019 की सूची में भारत को पहली बार दुनिया के सबसे अभिनव देशों की सूची 2019 ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में स्थान दिया गया है। भारत ने 60 अर्थव्यवस्थाओं के इनोवेशन इंडेक्स में 100 में से 47.93 के अंक के साथ 54वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हैज रिलीज्ड द ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2018। इंडिया रोज बाई 3 points to 78 इन द लिस्ट ऑफ 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद ए स्कोर ऑफ 41। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2018 जारी किया है। भारत 41 अंकों के साथ दुनिया के 180 देशों की सूची में 3 स्थान की वृद्धि के साथ 78वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस शिखर और सम्मेलनों की। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेज आर्टिज्म स्पीक एट एलिफेंटा कैवास यूनेस्को हेरिटेज साइट टू स्ट्रेंथन द हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ इंडिया। भारत के हाथकरघा और वस्त्र क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कपड़ा मंत्रालय और भारत सरकार ने एलिफेंटा की गुफाएं यूनेस्को विरासत स्थल में आर्टिसन स्पीक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। फ्रेंच सेलर जीन यू ल्यूक वान डैन हेडे हैज वॉन द अराउंड द वर्ल्ड याच रेस आफ्टर 212 डेज अलोन एट सी विदाउट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। फ्रांसीसी नाविक जीन ल्यूक वान डैन हेडे ने आधुनिक उपकरणों के साथ समुद्र में अकेले 212 दिनों के बाद राउंड द वर्ल्ड नौका दौड़ जीती है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज मिसलेनियस विविध समाचार। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री लॉन्चेज द कंट्रीज फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI स्टोर एट डबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गोवा में डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश का पहला भौगोलिक संकेत GI स्टोर लॉन्च किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं लाइक करें, जो भी क्वेरी है जो भी क्वेश्चन है कमेंट करें और UV कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।